गया जी पिंड दान करने के लिए प्रसिद्ध पितृतीर्थ है। अगर मोक्ष की कामना देखी जाए तो मोक्ष के चार मार्ग शास्त्रों में बतलाया गया है। पहला है जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, दूसरा जो गौशाला में जिसकी मृत्यु होती है, और तीसरा जो बद्री विशाल में जिसकी मृत्यु होती है, और चौथा जो अपने देश अपने भूमि अपने माँ बहन की रक्षा में जो शहीद हो जाते हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये सभी संभव नहीं है तो गया जी में पिंड दान करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ सिद्ध किए गयायाम पितृ रूपेण स्वयमेव जनार्दन त्वं दृष्ट्वा पुंडरीकाक्षम मुच्यते च ऋणत्रयात्। भगवान विष्णु गया जी में स्थित पितृ रूप में स्थित हुए, यहाँ देव रूप में नहीं, यहाँ शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए और गया सुर राक्षस और धर्मवर्ता नामक स्त्री को उद्धार करने के लिए और पितृ तीर्थ बनाने के लिए मोक्ष धाम बनाने के लिए गया जी में भगवान विष्णु ने स्वयं आया। पदम दिव्यम दर्शनम पापनाशनम अस्पर्शनाथ पूजनाथ चैव पितृ नाम मुक्ति हेतवे। यहाँ गया जी में भगवान विष्णु का दर्शन चरण का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, स्पर्श और पूजन करने से पितरों की मुक्ति होती है। यहाँ सभी जजवान नेपाल से आकर जो बैठे हुए हैं ये फल्गु तीर्थ है, फल्गु गंगा है, ये भगवान विष्णु के चरण से निकला हुआ आदि गंगा है, भागीरथ से पहले की ये गंगा आदि गंगा फल्गु है। फल्गु का मतलब होता है गुप्त फल देने वाला या गुप्त रूप से प्रवाहित होने वाला। कहा गया है विष्णु पुराण में आया है, वायु पुराण में आया है कि फल्गु तीर्थे पुण्य जले करोमि स्नान मात्रितः पितृ नाम मातृ नाम च विष्णु लोकाय मुक्ति भुक्ति प्रसिद्धया। फल्गु तीर्थ में फल्गु तीर्थ के जल का स्नान मात्र करने मात्र से पितरों की मुक्ति होती है। यहाँ पर जो रेत देख रहे हैं बालुआ कुचे पक्षी पितरों को मुक्ति हुन छ, तो यह पितरों के मुक्ति का केंद्र गया जी और फल्गु और विष्णु चरण बना हुआ है। गया जी में पिंडदान जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से गया जी में पिंडदान किए जाते हैं। एक बार की कथा है, वायु पुराण में आया है, मारीच और धर्मवर्ता ब्रह्मा के प्रथम संतान हुए, दोनों का वैवाहिक कार्य हुए, दोनों को सृष्टि उत्पन्न करने के लिए बोला गया, दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। बाद में मारीच द्वारा धर्मवर्ता को शापित होना पड़ा और उसे शिला बनना पड़ा। शिला बनने से पहले भगवान विष्णु को प्रसन्न करके धर्मवर्ता ने वर मांगा कि हम शिला पत्थर बन जाएं तो हमें हमारे ऊपर निवास करेंगे। आज देख रहे हैं कि नेपाल गंडकी नदी से शिला निकल करके अयोध्या जा रहा है, जिसकी मूर्ति भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। आज नेपाल से बड़े विशाल विशाल दो शिलाएँ जा रही है और वो शिला भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाएगी। तो उसी प्रकार धर्मवर्ता शिला बन गई थी, शिला पर ही भगवान विष्णु अपना चरण यहाँ गया जी में रखे और सिद्ध किए कि अत्र विष्णु पदम दिव्यम, इस भगवान विष्णु के चरण दिव्य को दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाएंगे। स्पर्शनाथ पूजनाथ चैव, और जो स्पर्श और पूजन करेंगे तो उनके पितरों की मुक्ति होगी, ऐसा ये प्रसिद्धि है। गया जी में पिंडदान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और नरकों से उद्धार होता है, क्योंकि पुत्र का भी तीन कर्तव्य बतलाया गया है। पूमम नरकात त्रायते पुत्र जायते, जो नरक से उद्धार कर दे उसे पुत्र कहते हैं। आ पुत्र का तीन कर्तव्य होता है, जीवतो वाक्य करनाथ क्षयाहे भूरि भोजनाथ गया श्राद्धे ये भी त्रिभि पुत्र से पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित हों तब तक उनका सेवा करे, उनके आदेश का पालन करे, क्षयाहे भूरि भोजनाथ, और जब वो गुजर जाए मृत्यु को प्राप्त कर जाए तो उनका श्राद्ध कर्म करे, ब्राह्मण भोजन कराए,
करवावें और फिर तीसरा कार्य गया जी में जाकर पिंडदान करें, उसे पुत्र कहते हैं। तो गया जी में पिंडदान करने के लिए ही पुत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि सारे पितर यही चाहते हैं एष्टवा बहवः पुत्रः को अपिम गयाम वर्जेत, हमारे बहुत से पुत्र हो जो कोई भी गया जी जाए, इसमें बड़ा छोटा की नहीं, कोई भी 1000 पुत्र हो, 100 पुत्र हो, 10 पुत्र हो, कोई भी पुत्र हो जो कोई गया जी जाए। गया जी में आए हुए बच्चों को अपने पुत्रों को देख करके उनके माता पिता उनके पितर बहुत संतुष्ट होते हैं कि हमारा गया जी में आया है, मेरा उद्धार करेगा। तो गया जी पिंडदान करने से पितरों को उद्धार हो जाता है, यही गया की प्रसिद्धि है। बोलिए गया गदाधर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, फल्गु गंगा की जय, विष्णु चरण पादुका की जय, नेपाल राष्ट्र की जय, अपने अपने माता पिता की जय। गयायां पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दन तम दृष्ट्वा पुंडरीकाक्षं मुच्यते च ऋणत्रयात्। गया जी में ऋण तीन ऋणों से मुक्ति मिलती है गया जी में पिंडदान करने से, पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण, ये तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए गया जी में पिंडदान किए जाते हैं। और ये गया में तीन पिंड दिए जाते हैं तीन स्थल में, उसका विशेष महात्म्य वायु पुराण में आया है कि यहाँ 17 दिनों में पिंडदान किए जाते हैं, त्रैपाक्षिक श्राद्ध कहते हैं, 17 दिन रह कर के पिंडदान करें, अगर 17 दिन जो नहीं रह पाए तो कम से कम यहाँ 7 दिन रहें, अगर 7 दिन भी न रहें तो 5 दिन रहें, 5 दिन न रहें तो 3 दिन रहें, अगर 3 दिन भी नहीं रहना चाहता समय नहीं है तो 3 जगहों में पिंडदान करें। पहला पिंडदान फल्गु नदी में जा कर के करें फल्गु, दूसरा पिंडदान भगवान विष्णु का जो चरण पादुका बना है वहाँ करें, और तीसरा 91 बटस्य आग्रे जह सेते जोग निद्रया बाल रूप धरत तस्मै नमस्ते जोग साइने, और तीसरा है अक्षयवट बट वृक्ष की छाया में करें। कहा गया कि अक्षयवट माने जिसका क्षय न हो, खंड न हो, टुकड़ा न हो, विनाश न हो, तो वहाँ पर श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, विष्णु चरण पादुका में पिंडदान करने से मुक्ति होती है, फल्गु जी में स्नान तर्पण पिंडदान करने से मुक्ति होती है। तो ये तीनों तीर्थ मैंने सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए तीन जगहों में पिंडदान की महत्ता बतलाई गई है। गया के बारे में इतने जो महत्वपूर्ण जानकारी दे दिए, इसके लिए आप प्रति हम सब लोग हार्दिक कृतज्ञता नमन करते हैं। धन्यवाद। माता पिता की जय। से जितना फल प्राप्ति होता है उतना गया जी करवाने से, गया जी भेजने से, गया जी के लिए प्रेरित करने से उनका पुण्य फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। अगर मुझे समय नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश मैं गया जी नहीं आ रहा हूँ, लेकिन और लोगों को मैं गया जी जाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तो उतना ही फल होगा जितना करने मात्र से होगा, इतना महत्व है। ठीक है कीजिए जो करके कीजिए, अपना जैसे करना है कीजिए, हम करवा दें। ठीक है, अच्छता फूल तिल चंदना लेके बैठे ना, अच्छता चंदना कहाँ छे?
अच्छता हो तिल जौ नाम नभएपछि प्यारे गराइदिनु हुन्छ र हजुरले हामीले सम्झन पर्यो क्या जसरी जाइ चन्ना अच्छता फुल राख गया मंडलाधिकारी गया शीले अलग तीर्थे पुण्य क्षेत्र समुद्रे महाशिले उत्तरायणे शिशिर आगे शुक्ल पक्षे हैदराबाद सोजन सफाई आयो टीका लगाउने नमो ब्रह्म देवाय गोदान दान शांता सिद्धर दम दान प्रतिष्ठा दातुभ्यम संपर्द दे टीका लगाउने हरि ओम नमो ब्रह्म देवाय भाई।